हाय, आज हम इस वीडियो में मेल के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे एक नया मेल कैसे लिखते हैं। सबसे पहले gmail.com पर हम अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करेंगे। ईमेल आईडी लॉगिन करने के बाद एक नया मेल लिखने के लिए हम स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे कंपोज बटन पे क्लिक करेंगे। कंपोज बटन पे क्लिक करने से स्क्रीन के राइट डाउन कॉर्नर में एक टैब ओपन होगा जिसपे लिखा होगा न्यू मैसेज। हमें अपना नया मेल यही लिखना है। एक नया मेल लिखने के लिए हमें कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि टू में हम उस मेल आईडी को लिखते हैं जिसे हमें ये मेल भेजना है। इसमें हम एक से ज्यादा ईमेल आईडीज भी एंटर कर सकते हैं। हमें बस ईमेल आईडी लिखने के बाद एंटर दबाना है। नेक्स्ट फीचर है सीसी। सीसी यानी कि कार्बन कॉपी। सीसी में हम जिस भी ईमेल एड्रेस को एंटर करेंगे उसके पास इस मेल की एक कार्बन कॉपी चली जाएगी। यानी कि अगर कोई हमें कभी कहता है कि कीप मी इन द लूप, इसका मतलब है कि हमें उस मेल में सीसी करना है। अगला ऑप्शन है बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मतलब कि हम बीसीसी में जिस भी मेल आईडी को एंटर करेंगे उसके पास इस मेल की एक कार्बन कॉपी तो जाएगी, लेकिन हमारे टू वाले रेसिपिएंट्स को नहीं पता चलेगा कि इस मेल में बीसीसी किन्हें किया गया है। यानी कि बीसीसी की मेल आईडीज हिडन होती है। नेक्स्ट फीचर है सब्जेक्ट। मेल का सब्जेक्ट ही डिफाइन करता है कि मेल किस बारे में है। अब जिसको भी ये मेल भेजने वाले हैं वो इस मेल को खोलने से भी पहले मेल के सब्जेक्ट को पढ़कर ही डिसाइड करने वाला है कि मेल कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने सब्जेक्ट में कम से कम शब्दों में जरूरी बात कह दें। अब इसके बाद आती है मेल की बॉडी। यानी आपको अपने मेल में अब जो भी लिखना है वो लिख कर आप सबसे नीचे सेंड बटन क्लिक करके इस मेल को सेंड कर सकते हैं। इस टैब में सेंड के राइट साइड में हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं जिनसे हम अपने मेल को एडिट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, जिसके थ्रू हम अपने कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। यानी कि हम उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं या फिर उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अटैच फाइल। इसको क्लिक करके हम अपने कंप्यूटर में से कोई भी फाइल अपने मेल में अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस हैं इंसर्ट इमोजी, इंसर्ट फाइल्स यूजिंग ड्राइव या फिर इंसर्ट फोटो। अगर हमें ये मेल नहीं भेजना है तो हम बिल्कुल राइट के कॉर्नर ऑप्शन में डिस्कार्ड ड्राफ्ट करके इस मेल को डिलीट कर सकते हैं।